नंदलाला के लिए। जी बेटिया। तो लाओ ये मुझे दे दो, मैं नंदलाला के घर जा रही हूँ। जहाँ इच्छा विकट होती है वहाँ झट से मार्ग मिल जाता है। बड़ी शीघ्रता है शकटासुर। नन्ना जी देख मुझे क्या मिलो। बाबा जो तेरे लिए मोर पंख लाएंगे ना, उसके साथ जो पोशाक कितनी सुंदर लगेगी, है ना नन्ना? मुझे पता है तुझे भी अच्छी पोशाक चाहिए, है ना? कितना समझाओ मैंने तेरे बाबा को, किंतु तेरे बाबा है कि बड़ा उत्सव करने को तैयार ही ना है। अब जितने भी अतिथि आएंगे कम से कम उनके सामने तो मेरा लल्ला अच्छा दिखे, उन सब से अच्छा मेरा राजकुमार। एक अतिथि ऐसा भी है मैया जो बिना बुलाए ही आने का प्रयास कर रहा है, पर इतनी शीघ्र नहीं आने दूंगा मैं उसे। ये क्या है मेरे लल्ला के हाथ पर? पलक है। अब जो चाहिए उसकी प्रार्थना कर और फूंक मार के उड़ा दे। रुक जा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। तेरे बाबा को अपने लल्ला के मुकुट के लिए सुंदर सा मोर पंख मिल जाए। अब अपने मुंह में हवा भर, देख ऐसे, और फूंक मार के उड़ा दे। फूंक मारना लल्ला। कभी तो अपनी मैया की कही मान ले, मार दे फूंक। बस इतनी सी बात मैया, अभी लो। कहाँ चली गई वो कन्या? लगता है कहीं आसपास ही है नंद का घर। भाभी जी कहाँ रखना है? जा उधर रख दे। ला दो। क्या लल्ला के लिए नया मोर पंख और क्या? यशोदा समय ही ना मिलो, बस कुछ वस्तुएं और शेष है वो ले आऊं, फिर उसके बाद चला जाऊंगा। सच्ची संध्या हो जाएगी, सूरज ढल जाएगा, तब जाओगे क्या आप? यशोदा बस कुछ काम और है वो कर लेने दो, फिर चला जाऊंगा। देख रहे हो ना लल्ला, देख रहे हो तू अपने बाबा को? किंतु मैं भी अपने हट के पक्की हूं, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना जानती है तेरी मैया। बाबा सावधान, मैया की योजना भारी पड़ेगी आप पर। जानकी। हाँ भाभी। सुन लड्डू बांध पोटली में जा। हाँ। मैं भी ओढ़नी और चटाई निकालती हूँ। आपको तो कितने सारे आवश्यक कार्य है ना,
मैं ही चली जाती हूँ। यशोदा? और हाँ, अपने लल्ला को साथ लेकर जाऊंगी। यशोदा, ये तुम क्या कह रही हो? यशोदा, तुम लल्ला को लेकर बन जाओगी? और नहीं तो क्या, मेरा लल्ला टूटे मोरपंख का मुकुट ना पहने को जी, मैं तो जाऊंगी। यशोदा, नीलमणि अब तू ही संभाल, मैं तो चली। और जो लड्डू चटाई ओढ़नी ये सब क्या है? तो आपको क्या लगता है, मैं भूमि पे बैठूंगी वन में, या फिर जब तक मोर पंख ना मिलेगो भूखे रहूंगी? यशोदा, तुम नीलमणि को लेकर बन बन भटकोगी। अच्छा जी, तो बस नीलमणि की चिंता है आपको, मेरी ना है। इससे पहले कि फिर से झगड़ा आरंभ हो, मुझे ही कुछ करना होगा। दोनों की चिंता, इसीलिए तो जाने से रोक रहा हूँ। जाना तो पड़ेगा, चाहे मैं जाऊं या आप जाओ। मैंने कहीं ना, प्यासा ही चल के कुएं के पास जाता है, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। तब तो ऐसा ही होगा मैया। अरे तो तुम ही बताओ, कैसे तुम्हें और लल्ला को मैं वन में अकेले जाने दूं? हाँ तो ठीक है, इतनी चिंता है तो चलो हमारे साथ। यशोदा, मेरी बात तो। नीलमणि, आज कुआ स्वयं प्यासे के पास चलकर आयो, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संसार के सारे मोर हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आतुर हो। अवश्य ही कछु बहुत विशेष है हमारे लल्ला में। जे तो जो आप आलस कर रहे थे ना वन जाने के लिए, इसी कारण से नारायण ने सहायता की है हमारी। और कुछ भी उल्टा सीधा बोल के दृष्टि मत लगाओ, हमारा लल्ला कोई विशेष ना है, ये तो सामान्य सा प्यारा सा लल्ला है मेरा। ये घर है या वन? अभी तक तो गोकुल का एक ही चक्कर काटा है उत्कच, पूरी रात चक्कर लगाते रह जाओगे, पर ना मेरा घर मिलेगा तुम्हें और ना ही मैं। (laughs)
अब तैयारी ना करनी आपको, हाँ? तो जाओ अपने सारे कार्य निपटाओ, मुझे मेरे लल्ला के मुकुट के लिए मोरपंख मिल गए। क्यों लल्ला, अच्छे लगे? यहाँ मैया जितनी प्रसन्न है, बाहर वो बिन बुलाए आती थी उतना ही दुखी है। तीन प्रहर व्यर्थ हो गए, न जाने कब मिलेगा नंद का घर। अब अगले चार पहर तक मैं आपके ही दर्शन करूंगा प्रभु। सारी तैयारी हो गई लल्ला, तेरा नया मुकुट भी बन गया। अब मैं चैन से सोऊंगी और तू भी पूरी रात अच्छे से सोना, समझ आई? चल सो जा। क्या हुआ, नींद ना आ रही? सो जा लल्ला, नहीं तो सुबह बहुत थका थका लगेगा तू। क्षमा करना मैया, उस अनचाहे अतिथि को पूरी रात भीतर आने से रोकना है मुझे। ना मैं सर क्यों हिला रहे है? हुँ? मैया की कही मान और आंखें बंद करके सो जा, तभी तो आएगी निद्रा देवी। प्रभु, मैया की आज्ञा मान लीजिए ना। निद्रा देवी। प्रभु, प्रतिदिन मैं इसी आशा में आती हूँ कि आप मुझे स्वयं में लीन होने देंगे और सच में सो जाएंगे, पर प्रतिदिन मुझे निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। प्रभु, आपने तो सबको कुछ ना कुछ दिया है, मुझे स्वयं में लीन होने का सौभाग्य कब देंगे? आज रात ये संभव नहीं है निद्रा देवी, पर मैं वचन देता हूँ कल रात मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। ऐसे क्या देख रहा है रे टुकुर टुकुर, जैसे किसी से बातें कर रहा हो। सो भी जा लल्ला, कितना सताएगा अपनी मैया को। मुझे पता है मैया, जब तक मैं सोने का स्वांग नहीं करूंगा आप भी नहीं सोएंगी। मेरा प्यारा लल्ला, मैं निंद्रा देवी की दशा समझ सकता हूँ प्रभु। अमावस्या की रात जब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव करता हूं प्रभु। अरे चंद्रदेव, अति उत्साह में आप अभी से कोई संकेत मत दे देना शकटासुर उत्कच को, अभी तो उसे कुछ चक्कर और लगाने हैं गोकुल के। चंद्रदेव, आपका समय पूरा हुआ, अब मेरी बारी है।
चंद्रदेव तो प्रभु दर्शन में खोए हुए हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। पिछले 7 प्रहर से लगभग 7 चक्कर लगा चुका हूँ गोकुल के। कहाँ है वो बालक और उसका घर? कैसे मिलेगा कोई संकेत? अब इसे संकेत देने का समय आ गया है। वो रहा। देख रहे हो लल्ला, कितना सुंदर दिन है। हाँ मैया, बहुत अच्छा दिन है आज। अब देख कैसे तेरा काल बनकर तेरे घर में प्रवेश करूंगा, और वो भी बिना बुलाए। बड़ा आनंद आएगा जब नंद भवन की प्रसन्नता दुख में बदल जाएगी, जब हर्ष उल्लास के इन स्वरों के स्थान पर चित्कारें गूंजेंगी। बड़ा आनंद आएगा। यशोदा, मैंने कही थी ना बड़ा उत्सव ना करेंगे, फिर भी तुमने सभी को बुला लिया। सभी को कहा? केवल निकट के मित्र संबंधी और अपनी सहेलियों को ही तो बुलाओ है। केवल निकट संबंधियों को? ये तो पूरा का पूरा गांव आया है। तनिक निकट से देखता हूँ, पता तो चले इस बालक में ऐसा विशेष क्या है जो इसके प्राण लेने के लिए मुझे आना पड़ा। इतनी भी शीघ्रता क्या है उत्कच? प्राण देने में भी धैर्य नहीं है। था शकट से तुम्हारा बहुत गहरा नाता जुड़ने वाला है। शकटा सुरुत कच। सुनो जी, उत्सव आरंभ होने को है, सब अतिथि आ गए। ये दोनों इतना सारा सामान लेके भीतर कहाँ चले आ रहे हैं? भोला बंसी, गाड़ी पीछे की ओर लेकर जाओ, अभी इनको उतारने का समय ना है। तनिके से संभालो। तुम कहाँ जा रही हो? पंडित जी के आने के समय हो गए। रोहिणी जी को तो बुला लो। आई तो ऐसी।
आज तुम्हारे छोटे भाई की जन्म नक्षत्र पूजा और उत्सव है। किंतु मुझे क्षमा करना पुत्र, चाहते हुए भी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पिताजी ने ये आदेश दिया था कि मैं तुम्हें सारे जग से छुपा कर रखूं, किंतु आज तुम्हारे जन्म के बाद इतना समय बीत गया है और तुम अब तक, मैं ये नहीं जानती पुत्र, तुम्हारे अस्तित्व की घोषणा करना, तुम्हें सबके सामने लाना उचित होगा या नहीं, किंतु मैं अवश्य जानती हूं कि तुम्हें इस घर के भीतर यूं बंद करके रखना मेरे हृदय को चीर देता है। जब भी तुम्हें छोड़कर कहीं चली जाती हूं, मेरे भीतर दुख की एक बड़ी सी लहर उठती है और मेरा हृदय उस लहर में डूब जाता है पुत्र। मुझे क्षमा कर देना, अब तो बस नारायण से एक ही प्रार्थना है, शीघ्र ही ये सब कुछ ठीक हो जाए। तेरी मैया को क्या हो गया लल्ला? जाते समय तो इतनी उत्साहित थी और आते हुए मुंह इतना उतरा हुआ है जैसे किसी ने इसकी बछिया खोल दी। मैया बड़ी माँ के दुख से दुखी है बाबा। सब कुछ ठीक तो है? मन की इच्छा मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ बड़ी माँ। बस एक ही इच्छा है मन में कि मैं भी ये पूजा, ये उत्सव, ये सब कुछ अपने पुत्र के लिए कर पाती। आपका दुख मुझसे छुपाना है जीजी? मुझे लल्ला के सारे उत्सव मनाते देखकर आपको कैसा लग रहा होगा? मुझे आभास है। चिंतित ना हो मैया, आज का ये शुभ दिन बड़ी माँ की दुविधा का समाधान लेकर आएगा। पर उससे पहले इस अनचाहे अतिथि उत्कच को संभालने के लिए मुझे निद्रा देवी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। जाइए निद्रा देवी, यही समय है आपको दिए हुए वचन को पूरा करने का। अब तुझे नींद आ रही है? कल रात को कही थी ना, अच्छे से विश्राम कर लल्ला। अच्छे तो सोगा, ऐसे तो सुलाने में इतनी उठा पटक कराते है, अब देखो। नंदराज जी, रानी जी, पूजा की सारी तैयारियां हो गई है, अब विधि आरंभ कीजिए। पंडित जी, लल्ला बहुत गहरी नींद में सोगा है। जे पूजा में लल्ला की आवश्यकता नहीं है, बस आप दोनों हैं तो पूजा हो जाएगी। यशोदा, तुम लल्ला को उचित स्थान पर सुला दो, व्यर्थ ही यहाँ इसकी नींद टूटेगी। चल लल्ला, आजा।
नाना इसे यहाँ ना सुला सकती, यहाँ तो जो अकेला पड़ जाएगा उस पर दृष्टि भी ना रख पाऊंगे। यहाँ सुलाया तुझे सारी की सारी आके इसके साथ खेलने लगेंगे, शांति से सो भी ना पाए कुछ। लो यहाँ तुझे सब हल्ला मचा रहे हैं। ये है मेरा घोड़ा और ये है मेरी गाड़ी और ये बैठा हिरण। हाँ वहाँ छाँव में सो जाएगा और मेरा पूजा में बैठकर सीधी दृष्टि भी रख पाऊंगी इस पर। लगा था बहुत श्रम करना पड़ेगा इस बालक तक पहुंचने के लिए, किंतु ये तो हिरण का वो शावक निकला जो अपना वध करवाने के लिए स्वयं ही सिंह के मात तक पहुंच गया है। उज्जवल, लल्ला पे दृष्टि रखेगो? हाँ रखूंगा ना ताई जी। खेल खेल में भूल तो ना जाएगो? ठीक है। ठीक है मतलब भूल जाएगो? ना ना दृष्टि रखोगो। देखियो इसे कोई छेड़े ना, हा? और धूप लगे ना तो इधर उधर खसका के छाव में कर दियो। अच्छा बच्चा। और हाँ खिसकाते समय ध्यान रखियो लल्ला मेरी दृष्टि के सामने रहे। आप चिंता मत ही करो ताई जी, बचपन से ही बच्चों को संभालना आ तो है मुझे। यशोदा शीघ्रता करो। शांति शांति। अब प्रथमे इस भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे। भगवान श्री गणेश को गंध हल्दी और धूप चढ़ाइए। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टकाम। अब आप दोनों श्री हरि नारायण के ऊपर अक्षत की वर्षा कीजिए। लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। यशोदा क्षमा करेगा पंडित जी। षोडशोपचार विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों आंखें बंद करके प्रेम पूर्वक इष्ट देवता से लल्ला के स्वास्थ्य हित और दीर्घायु के लिए प्रार्थना कीजिए। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टकाम अनंतकम सुरासुरेन्द्र सिद्धेन्द्र स्तुतम अस्तौमि परात्परम सुरपति दिनेशम च गणेशम इदं स्तोत्रम। अरे ये नीलमणि के ऊपर तो धूप आ गई।
तो बार बार आ रही है नीलमणि पर, किंतु ताई जी की बात भी माननी है, क्या करूं? उज्ज्वल भी ना एक कार्य ठीक से ना कर सकता, कहाँ है लल्ला? नारायणी नमोस्तुते। प्रार्थना संपन्न हुई। रानी जी कहाँ चली गई? वो रहो, उज्ज्वल तो पक्की छाव में करती हूँ, मैं व्यर्थी क्रोधित हो रही थी। यशोदा, पूजा का संकल्प लेने के पश्चात ऐसे ऐसे उठकर जानो ठीक ना है। यशोदा, स्मरण है ना जे जन नक्षत्र पूजा हम हमारे लल्ला के हित के लिए कर रहे हैं। अरे वाह, अब तो मेरा कार्य और भी आसान हो गया। इसी सकट के नीचे कुचल दूंगा इस दुष्ट शिशु को। महाराज कंस को उनके जीवन का सबसे शुभ समाचार दूंगा मैं। मेरी आशा है महाराज कि इस बार भी आपकी आशाओं पे कहीं हिमपात ना हो जाए। उत्कच अपना कार्य अवश्य करेगा अस्ति, बल्कि अब तक तो कर भी चुका होगा। बस आप कुछ ही क्षण में शुभ समा। लो, आ गया मेरा शुभ समाचार। शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे आप, पर आया कौन? अपशगुन। देवकी, वसुदेव, तुम दोनों यहां कैसे हैं? मथुरा नरेश, हम दोनों आपके पास एक विनती लेकर आए। जानते हो वसुदेव, मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं कि तुम मेरे पास विनती लेकर आए हो। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी विनती यहां स्वीकार करी जाएगी। मैं जानती हूं आपके हृदय के किसी कोने में हमारे बचपन की स्मृतियां अभी भी जीवित है। स्मरण है मैं आपकी वही बहन हूं जिससे आप इतना प्रेम करते थे कि अपना सब कुछ। बस, सीधा सीधा बोल, क्या चाहिए तुझे? अधिक कुछ नहीं महाराज, हम दोनों
एक बार गर्ग ऋषि के दर्शन करना चाहते हैं। महल से बाहर जाना चाहते हैं ये महाराज, इन्हें इतनी छूट देने की आवश्यकता नहीं है। पर आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा महाराज कि आपकी बहन और आपका बहनोई आपसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरे दुखों का भार मेरे सहन शक्ति से अधिक हो गया था, इसलिए बहुत साहस बटोर कर आई हूं। अपनी छोटी बहन की इस छोटी सी विनती को अस्वीकार मत कीजिए भैया। छी 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 छी, कैसा भाई हूं मैं? मेरी बहन और मेरा बहनोई सामने खड़े हैं और मैं एक अभिमानी सम्राट की तरह इस सिंहासन पर बैठा हूं। छी, नहीं नहीं, ऐसे हाथ जोड़कर मुझे लज्जित ना करें। अरे हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए आप दोनों के सामने। ए देवकी, क्या तेरा भाई इतना निर्दयी है क्या? अरे तेरी एक छोटी सी इच्छा भी स्वीकार नहीं करूंगा क्या? क्या चाहती है? गर्ग ऋषि के आश्रम जाना है तो जा। कुंवर जी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। कंस अपने परिवार की इच्छा पूरी नहीं करेगा तो किसकी करेगा? आप बस यात्रा की तैयारी कीजिए, आपकी यात्रा का प्रबंध शीघ्र ही हो जाएगा। धन्यवाद मथुरा नरेश। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठहरिए, अरे आप दोनों को अकेले कैसे जाने दूं? चिंता रहती है मुझे, दसों दिशाओं में शत्रु हैं मेरे, कहीं कुछ अनहोनी घटित हो गई तो। कुंवर जी, आप एक काम कीजिए, आप दुर्जन को साथ ले जाइए। जो आ गया महाराज। आपने इन्हें जाने की आज्ञा क्यों दी स्वामी? मेरा सुझाव क्यों नहीं माना आपने? हर समय तुम्हारा सुझाव मानना आवश्यक नहीं है प्रिय। जाल बिछा दिया है ये देखने के लिए कि ये दोनों मेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। उतना और सूक्ष्म बुद्धि की तरह मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा विष्णु अवतार। उन्होंने तेरे सामने आने की भूल की थी, पर मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा, अदृश्य रूप में ही तेरा वध करूंगा। तेरी मां तुझे साधारण से धूप से बचाना चाहती थी, क्या दशा होगी उसकी जब मैं तुझे सकट के नीचे कुचल दूंगा। जाने ये पूजा कब समाप्त होगी, कहीं उड़ तो ना गया होगा मेरा लल्ला। मुझे उसे देखना है, पर जो पंडित जी हैं कि अब देख कैसे इस शकट के भार के नीचे दब जाता है तेरा कोमल तन। सुधा, पूजा समाप्त होने वाली, आरती को समय हो रहा है। लल्ला सुरक्षित है, चिंता ना करो। कितना नन्हा सा है तू, फिर भी तूने महाराज कंस की रातों की नींद
सुख चैन सब छीन लिया। अब मैं तुझसे तेरे प्राण छीनूंगा, तैयार हो जा। ये क्या हो रहा है? कब इसके तन से विदा ले लेंगे इसे पता ही नहीं चलेगा। ताईजी, यशोदा ताईजी। निद्रा देवी, समय हो गया है। शीघ्र ही तुम बहुत अधिक विशाल और असीम बलशाली हो गए थे, पर तुम अपनी शक्ति का प्रयोग अनुचित ढंग से करते थे। एक दिन तुमने महर्षि लोमस के आश्रम में बहुत ही उत्पात मचाया, हरे भरे वृक्षों को नष्ट कर दिया। देख क्या रहा है ऋषिवर, ये विशाल वृक्ष भी मेरे इस विराट तन के आगे कुछ भी नहीं है। जिसे स्वयं अर्जित तक नहीं किया उस तन पर इतना अभिमान, तो सुन ले, जिनसे तेरा तन बना है उन्हीं पंच तत्वों में इसी क्षण ये विलीन हो जाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे, मेरा श्राप है तुझे। आ, 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 आ,
तभी तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और ऋषि लोमश से तुमने क्षमा याचना की। क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे। मैं मूर्ख अभिमानी हूँ, अज्ञानी हूँ, परंतु आप तो दया के सागर है। कृपा करे ऋषिवर, कृपा करे। बिना तन के मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? तुम जीवित भी रहोगे और अपने दैनिक कार्यों का संचालन भी कर पाओगे, किंतु सजीव प्राणियों या निर्जीव वस्तुओं की सहायता से। ऐसा जीवन तो मृत्यु के समान है ऋषिवर, इससे अच्छा है आप मुझे जीवन से मुक्ति दे दो। मुक्ति भी अवश्य मिलेगी तुम्हें, पर जब तुम परम प्रभु श्री हरि नारायण के चरणों का स्पर्श करोगे, और यही नहीं शक्ता सर, कल जब तुम मुझे खोज नहीं पा रहे थे तब भी तुमने हार नहीं मानी। 7 प्रहर तक 7 बार मेरी और मेरे गोकुल की परिक्रमा की। इस क्रम में तुमने अनजाने में ही अपना पश्चाताप पूरा किया और पुण्य अर्जित कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो ना है ना? तुम ठीक तो है ना? मेरा नीलमणि, मेरा प्यारा बच्चा। भूला पंछी, ये सब क्या है? उज्जवल, ये किसने करो है? और देख कहानी मत सुनाइयो। उज्जवल पुत्र, कैसे हुआ ये सब? किसने किया? और किसने, महाबली नीलमणि ने बड़ी ताई जी। जी क्या बोल रहे हो? सच्ची सच्ची बता। नो, फिर फंस गया उज्जवल। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अचानक तीव्र वेग से वायु चली, फिर ऐसे लगो जैसे कोई भूकंप आ रहा है, और फिर जब मैंने देखा तो ये सकट अपने आप हिल रही थी, खड़खड़ 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 खड़खड़। और फिर मैंने साहस दिखायो और उस सकट को रोकने का प्रयास करो, पर सकट ना रुको, जे हिले ही जा रहा था, खड़खड़ 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 खड़खड़, और फिर ऐसे ही हिलते हुए अचानक से आगे बढ़कर सीधा नीलमणि के ऊपर चला आयो। फिर और फिर सकट भी हिल रहा था, खड़खड़ खड़खड़, और सकट का सामान भी हिल रहा था, थरथर थरथर। ऐसा लगो जैसे सकट नीलमणि को कुचलने को। पर तभी जे जाग गयो, इसने खींच कर अपने पांव का प्रहार करो और चीख गया सकट आकाश पे। और फिर भूमि पे गिर कर चकनाचूर। मैं सच्ची कह रहा हूँ ताई जी, नीलमणि के पैर का स्पर्श होते ही वो सकट ऐसे वायु में उड़ी जैसे कोई फूल। अच्छा,
और जो तेरे हाथ में ये माखन है ये भी अपने आप उड़ के आ गया होगा ना? हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। सदा बड़ पोलापन, ये अच्छी बात ना है लल्ला, सत्य बता। मैया, मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये सकट अपने आप ही आयो था और नीलमणि के प्रहार करते ही दूर जा गिरो। अरे ये बड़बोले से पूछने से अच्छा है कि हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि ये सकट टूटा कैसे। हाँ नंदराज, हाँ हम भी आरती के लिए भीतर चले गए थे। हाँ। अरे आप सब मेरा विश्वास क्यों ना कर रहे हो? नीलमणि के प्रहार से ही उज्जवल सकट बहुत पुराना था, पहिया ढीला होकर खुल गया होगा। यशोदा, अनेक कारण हो सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। मैं चिंता क्यों करने लगी भला? मेरे नीलमणि के गले में रक्षा वाला कंठक पहले से ही है और हम जैसा पूजा पाठ इतने विधि विधान से इसी के लिए तो कर रहे हैं, है ना पंडित जी? हाँ रानी जी। तो बस फिर मेरे लल्ला को कछु क्यों होने लगो? और आप सब स्वयं ही देख लो ना, जे इतना बड़ा सरकट टूट के बिखर गया है किंतु मेरे लल्ला को एक खरोच भी ना आई। इसका अर्थ तो यही है ना कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मुझे चिंता करने की कछु आवश्यकता ही ना है। चलो सब भीतर चलते हैं। हाँ हाँ, लल्ला को भूख भी लगी आई होगी। नंदराज जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। ध्यान कहाँ था तुम दोनों का? और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी ना? क्षमा नंदराज। यशोदा, क्या हुआ? बोलो ना, क्या सोच रही हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है जीजी। मेरे लल्ला के साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है। अरे अभी बाहर ही तुम सबको समझा रही थी, अब भीतर आते ही क्या हो गया तुम्हें? बाहर समझाने वाली मैं ना थी जीजी, वो तो गोकुल की रानी जसोदा थी, किंतु भीतर से मैं अपने नीलमणि की मैया हूं बस। और एक मैया को कितनी चिंता होती है, जे आपसे अधिक कौन जान सकता है। बहुत बड़ा धक्का लगा है मैया को इस घटना से, अब तो ये मेरी रक्षा के लिए और भी अधिक चिंतित हो जाएंगी। यंत्र का कंठक, पूजा पाठ, इतने सारे प्रहरी, सुरक्षा के प्रबंध, यदि इतने सबके बाद भी मैं अपने लल्ला की रक्षा न कर पाई तो मुझसे अधिक अभागी कौन हो सकती है? मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ यशोदा, इसी चिंता के कारण ही तो मैंने आज तक अपने पुत्र को छुपा कर रखा है। मैं जानती हूँ जिज्जी, मैं समझती हूँ। मैंने तो नीलमणि के लिए इतने सारे संस्कार भी करो है, पूजा पाठ की है, किंतु आपने तो, मैंने तो आज तक अपने पुत्र का एक भी संस्कार नहीं किया है। आंसू पोंछ लीजिए बड़ी माँ, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने उसे जन्म दिया उसके बाद से आज तक ना उसे घर के बाहर लाई हूँ ना कोई संस्कार किया है, मैं तो उसका नामकरण भी नहीं करवा पाई हूँ यशोदा। उसके जन्म के समय स्वामी ने यह संदेश भिजवाया था कि उस कंस को हमारे पुत्र के बारे में तनिक भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। तब से आज तक भय के छाव में जीती आई हूँ कि
वो कंस कहे हमारे पुत्र को भी ना मार दे, जैसे देवकी के सारे संतानों को मार दिया है। ये आशंका कभी सत्य नहीं होगी बड़ी माँ, मैं हूँ ना। माँ अपनी संतान के मन की बात बिना कहे ही समझ जाती है, आप भी समझ जाओ ना मैया। चीची हमें रोना ना चाहिए, हमें देख के लल्ला भी रो रहा है। मैया आपकी सहायता की आवश्यकता है मुझे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे लल्ला मुझसे कुछ कहना चाह रहा है? दाऊ को हम सबसे दूर कब तक रखेंगे बड़ी माँ? ये सोच रहे होगो कि अब तक आपने इसके दाऊ को छुपा के क्यों रखो है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ मैया। चिची कितना मन करता होगा ना इसका अपने दाऊ से मिलने का, और आपके लल्ला का भी तो मन करता होगा ना कि अपने छोटे भाई को मिले। कितनी बातें करते हैं हम दोनों की इनके सामने। हाँ यशोदा, मैं भी अपने पुत्र को नीलमणि के बारे में सब कुछ बताती हूँ। तो बस फिर हमें साथ साथ रखिए ना, मेरा आधा हिस्सा है वो, उनके बिना मैं अधूरा हूँ मैया। ये दोनों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जीजी, हमें इन दोनों को साथ ही रखना चाहिए। आप ही सोचो, यदि नीलमणि की रक्षा होगी तो आपका लल्ला भी तो सुरक्षित रहेगा। तुम सच कह रही हो यशोदा, हमें इन दोनों को मिलाना चाहिए और साथ में ही रखना चाहिए सुरक्षित। तब तो शीघ्र ही पंडित जी को बुलाकर हमें शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त? हाँ शुभ मुहूर्त, दोनों भाइयों के मिलन के साथ साथ उनका नामकरण संस्कार भी करवा देते। अब अपने दाऊ से मिलूंगा मैं। ऋषिवर की दिव्य आभा के कारण ये वातावरण कितना शुद्ध, कितना पवित्र लग रहा है ना। हाँ देवकी, इनका तेज ही ऐसा है कि इनके निकट केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है। इनका तेज ही ऐसा है कि इनके निकट केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है। यदि महर्षि की इच्छा के बिना मैंने भीतर प्रवेश किया तो कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं आश्रम के बाहर रुकूं और यहीं से इन दोनों पर दृष्टि रखूं। आपके आने का आभास हो गया था राजन। गुरुदेव, जो संतानें हमने खो दी है उनका श्राद्ध करवाने की विनती लेकर हम आपके पास आए हैं।
आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा राजन, परंतु मुझे आभास हो रहा है श्राद्ध कर्म इस भेंट का एकमात्र कारण नहीं है। आपको उसकी या कंस की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर बताइए कि आपकी इच्छा क्या है। गुरुदेव, वर्तमान में मेरी प्रथम पत्नी रोहिणी पुत्र सहित गोकुल में निवास कर रही है। हमारे उस पुत्र का और भाभी यशोदा के पुत्र का नामकरण संस्कार करवा दीजिए, बस यही हमारा सौभाग्य होगा। मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? देवी रोहिणी से उत्पन्न आपका पुत्र यादव कुल का राजकुमार है और यादवों का गुरु होने के नाते उसका संस्कार कराना हमारा कर्तव्य है। परंतु यशोदा पुत्र का नामकरण वो आप मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? गुरुदेव, सत्य ये है कि रुक क्यों गई रानी देवकी? आपके मन में जो कुछ है कहिए। ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं। यदि मैंने गुरुदेव को यशोदा पुत्र का सत्य बताया तो कंस को भी पता चल जाएगा, और यदि नहीं बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि ऋषिवर ही बुरा मान जाए। लगता है आप दोनों की दुविधा मेरे अनुमान से भी बहुत बड़ी है। अपनी या अपने पुत्र की कुंडली लाए हैं राजन? जी गुरुदेव, अपनी कुंडली है मेरे पास। देवकी, जो रहस्य आप नहीं बता पा रहे हैं राजन, वो ये कुंडली बताएगी। लल्ला, बता कैसी है जगह दा? मैया को हो क्या गया है आज? देख, सही सही बताइयो। अच्छी है ना, पसंद आएगी ना उसे? हाँ, या फिर जे मोर पंख वाला मुकुट दे दूं? पहली बार मिल रहा है तू, उपहार तो देना चाहिए ना। पर बड़े तो वो है ना मैया, उपहार तो वो देंगे मुझे। ना ना, मोर पंख वाला मुकुट तो मेरे लल्ला का है ना, जे ना दे सकते। तेरे जैसा कोई कंठक या चांदी वाला कड़ा दे दूं? हाँ, इस मिलन के लिए मुझसे अधिक उतावली तो मैया है। अच्छा जे उपहार छोड़, तू तो जे बता कि तू उसे बुलाएगा क्या कह के? अन्य सभी के जैसे बड़े भैया या गांव वालों के जैसे दद्दा बुलाएगो, या फिर बड़े नगरों में जैसे बुलाते हैं ज्येष्ठ भ्राता बुलाएगो, या फिर प्रेम से बुलाएगो दाऊ? दाऊ बुलाएगो ना? सुनो, आपने हमारे लल्ला ने निर्णय ले लियो, ये अपने भैया को ताऊ कहकर बुलाएगो। अरे वाह, लल्ला ने बोलना भले ही ना सीखो परंतु तुम्हें बता दियो। और नहीं तो क्या, लल्ला कुछ कहे ना कहे माँ तो समझ जाती है ना लल्ला? और इसने दाऊ वाली बात पे हाँ भी की है। हाँ,
हाँ तो सदानंद जी ने भी कर दी है। लो मैं तो भूल ही गई, क्या कही पंडित जी ने? बता तो ना यशोदा, बाहर से आया हूँ, हाथ पैर तो धो लूँ। हाँ, धो लो। अब बताओ कब का मुहूर्त निकालो है? तनिक हाथ मुंह पूछ लूँ। अब बताओ क्या कही उन्होंने? यशोदा थक गए हूँ, तनिक सांस तो लेन दो। हर से आए हूँ, जल ना पूछोगी? अब बता दो जी। बाबा अब बता भी दो, नहीं तो खेल खेल में खेल हो जाएगा। हाँ बताओ।